हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से टाटा स्काई का रिचार्ज कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोनपे के द्वारा आप अपने डीटीएच जो है टाटा स्काई या वीडियोकॉन या एयरटेल जो भी है आपका, उसको आप ऑनलाइन रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है आपके फ़ोनपे एप्लीकेशन में, और फ़ोनपे एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस वहां पर दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, यहां पर उसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी और भी सारे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको डीटीएच पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, रिलायंस डिजिटल टीवी या सन डायरेक्ट या टाटा स्काई या डीटीएच। तो आपको जो भी रिचार्ज करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर टाटा स्काई रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है मोबाइल नंबर, या फिर दोस्तों आपकी जो सब्सक्राइबर आईडी है आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो मेरी जो सब्सक्राइबर आईडी है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ को आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने आएगा इंटर अमाउंट के लिए ऑप्शन, यानी आप यहाँ पे जितने रुपए का रिचार्ज करना चाहते हैं उसको डाल लीजिए। मैं यहाँ पे 400 रुपए का रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने ये 400 रुपए इंटर कर लिए हैं। अब आपको पे बिल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे आपका इंटर यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी 6 अंकों का यूपीआई पिन है आपको यहाँ से इसको इंटर कर देना है, और जैसे ही इस राइट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये रिचार्ज जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बिल पेमेंट सक्सेसफुल आ चुका है। इस तरह से आप दोस्तों अपना डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।